एक बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है, फतेहपुर से बड़ी खबर है। जिले के थाने चला रहे हैं मंत्री। जी हां, मंत्री के दबाव में तीन निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है। फतेहपुर में जिले के थाने मंत्री चला रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। मंत्री के दबाव में तीन निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया। मंत्री जयकुमार जैकी के दबाव में तीन निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया। गैर इरादतन हत्या केस में तीन लोगों को जो निर्दोष थे उन्हें जेल भेज दिया गया है। जांच अधिकारी ने केस डायरी में मंत्री के दबाव का जिक्र भी किया है। फतेहपुर के चांदपुर थाने कस्बे का यह पूरा मामला है। मंत्री अब थाने चला रहे हैं। यूपी से यह बड़ी खबर। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई मंत्री कोई विधायक पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन मंत्री मुख्यमंत्री को ठेंगा दिखा रहे हैं। मंत्री थाने चला रहे हैं, निर्दोषों को जेल भिजवा रहे हैं। बाकायदा पुलिस वालों को जिक्र करना पड़ता है केस डायरी में कि मंत्री के दबाव में हम काम कर रहे हैं। मंत्री जयकुमार जैकी के दबाव में तीन निर्दोषों को जेल भेज दिया गया। गैर इरादतन हत्या केस में तीन निर्दोषों को जेल भेज दिया गया। बड़ी बात यह है कि बाकायदा पुलिस वाले इतने खुद परेशान हैं कि उनको केस डायरी में इसका जिक्र करना पड़ रहा है कि मंत्री का दबाव है। संवाददाता अवनीश से यह पूरा मामला समझते हैं। अवनीश, जरा पूरी खबर ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, आपको बता दें कि ये फतेहपुर का एक थाना है चांदपुर, और ये चांदपुर कस्बे का ही मामला है। दरअसल इस मामले में जो खिलाफ पार्टी है, जो पीड़ित है, उनके जो विरोधी हैं, उनका ये कहना है कि पीड़ितों का कहना है कि विरोधी जो है वो मंत्री जी के बहुत खास हैं और लगातार मंत्री जी की तरफ से थाने में जो विवेचना ऐसा कर रहे थे या जांच अधिकारी कर रहे थे उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। दबाव का नतीजा ये रहा कि उसको जो आईओ जो जांच अधिकारी होता है उसने सीडी में बाकायदा सीडी में इस चीज का जिक्र किया है कि मंत्री जी के खास होने की वजह से इनके दबाव के चलते हमें इन लोगों को जेल भेजना पड़ रहा है। जो आपको बता दें ये बहुत बड़ी बात है। प्रदेश में योगी सरकार कहते नहीं सकती कि पुलिस अपना काम कर रही है, कोई दबाव नहीं है, लेकिन जब कोई अभिवेता इस चीज को जीडी में मेंशन कर देता है और वो चार्जशीट उसकी फाइल हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर ये पूरा दबाव में ये कैसे मंत्री किसी निर्दोष को जेल भिजवा सकते हैं। जी वाकई बड़ा गंभीर मामला है, निर्दोष लोगों को एक दबाव में, बल्कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी मंत्री का किसी विधायक का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा पुलिस के काम में, लेकिन यहां पर तो सीधा सीधा हस्तक्षेप। और जांच अधिकारी का क्या कुछ कहना है, आपकी उससे बात हुई? उसने मजबूरी में लिखना पड़ा केस डायरी में कि मंत्री का दबाव है, और जब उसने लिखा है तो जो वहां पर थाने के उच्च अधिकारी होते हैं, बड़े पुलिस वाले अधिकारी जो होते हैं, उनका उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस पूरे मामले पर कि निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है? जी देखिए, आपको बता दें कि बाकायदा इसमें मंत्री का दबाव था और जो आईओ था उसके ऊपर भी जब इतना दबाव, उस आईओ ने इस चीज को बाकायदा रिटेन में मेंशन किया हुआ है कि अपने पास ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद है जिसमें इस चीज का साफ जिक्र बिखर हो रहा है कि इन मंत्री जी की वजह से इन लोगों को हमें जेल भेजना पड़ रहा है, साफ साफ ये चीज लिखी हुई है। तो कहीं ना कहीं सारे अधिकारियों ने इस चीज को मंत्री जी के दबाव की वजह से इसको नजरअंदाज किया। और मंत्री जी की अगर बात बता दें तो कारागार मंत्री और अपना दल कोटे से फतेहपुर की जहानाबाद विधानसभा से इनको टिकट दिया गया था और वहीं से ये अपना दल के कोटे से ही ये कारागार मंत्री बने हैं। जी, और केस क्या बनाया गया है निर्दोषों के खिलाफ? अभी ये क्या कहा जा सकता है, ये क्लियर है, ये साफ है कि निर्दोषों को ही जेल भेजा गया है? जी जी, उसमें इसमें इस वजह से ये साफ है क्योंकि वो साफ वो चीज जो है आईओ ने अपनी जांच केस डायरी में लिखी हुई है कि निर्दोषों को हमें जेल भेजना पड़ा। गैर इरादतन हत्या का एक मामला है, एक मारपीट हुई थी जिस गांव में, उस मारपीट में इन जो पीड़ित हैं वो लोग शामिल नहीं थे, उसके बाद भी इनका नाम उसमें शामिल किया जाता है और इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। जी, किस थाने का ये मामला है, कौन जांच अधिकारी है जिसको ये लिखना पड़ा? जी आपको बता दें, ये उस समय मौजूदा जांच अधिकारी राधेश्याम राव थे। ये चांदपुर थाने का मामला है और उनका अब यहां से तबादला हो चुका है। जी, उनका तबादला भी हो चुका है, यानी ये हिमाकत करना महंगा पड़ गया, सच्चाई उजागर करना महंगा पड़ गया।
क्या इस वजह से ही तबादला किया गया? ये साल एक साल पुराना मामला है एक्चुअली। इसमें जब ये केस डायरी इनके हाथ लगी पीड़ितों के, तो इन्होंने कई अधिकारियों की चौखट पर जाकर इस चीज की गुहार लगाई कि देखिए ये जांच अधिकारी ने इस चीज का मेंशन कर रखा है जांच में, और उसके बाद भी हमको ठीक है न मानते हुए। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।